फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल नोमैडिक परी। आज हम जाने वाले हैं कोंगाला वाटरफॉल्स एंड यहां से हमको करीब 45 मिनट्स वॉक करना है। काफी पत्थर चुभ रहे थे अभी हम वापस जा रहे हैं। मैं पूरा भीग चुकी हूँ कि आप देख रहे हो फ्लो काफी बढ़ गया है। Today's video is going to be super exciting. Guess, आज मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाली हूँ, कहाँ ले जाने वाली हूँ। पहले हमने सोचा हम चाय वाय पी ले थोड़ा सा। मैंने सवेरे 5 बजे उठी, मैंने चाय वगैरह बनाया और हमने यहाँ पे एक हॉल्ट लिया है एंड अभी हम लोग ऑन आवर वे टू कोंगाला वाटरफॉल्स है। पहले मैं आपको ये बता दूँ, कोंगाला वाटरफॉल्स वारंगल से 2 घंटे की दूरी में है। एक 10 मिनट का ड्राइव बोगाता वाटरफॉल से है एंड एक 45 मिनट्स का ये ट्रैक है। बेस्ट टाइम टू विजिट सेप्टेम्बर ऑगस्ट एंड ये नियर कोंगाला विलेज है मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में और वारंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफकोर्स तेलंगाना। आप सबको क्या लगता है, वाटरफॉल्स वगैरह सब नॉर्थ इंडिया में है? जी नहीं, तेलंगाना में जब आप इंटीरियर्स में जाओगे तो काफ़ी अमेजिंग से व्यू, सीनरीज और ग्रीनरी आपको देखने मिलता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अभी ये देख रहे हैं, दिस इज आवर फील्ड्स। मैंने काफ़ी बार आपको अपने फील्ड का टूर दिया है। ये हमारा एक और फील्ड है एंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी कुछ उग रहा है। आई डोंट एग्जैक्टली नो वॉट इट इज़, बट आई थिंक इट इज़ बारले, या आई थिंक बारले या जवार, आई एम नॉट वेरी श्योर। एंड लाइक यू कैन सी द ग्रीनरी, इट्स सो ब्यूटिफुल। आई मीन क्लाइमेट भी हमारे फेवर में था, सो आई थॉट क्यों ना अच्छे अच्छे वीडियोस लिए जाए। तो रास्ते में काफ़ी हॉल्ट ले लेके हम लोग जा रहे थे बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू मिस एनी ऑफ द व्यू। लाइक यू कैन सी, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और हमने हमारा कार पार्क कर चुके हैं। बिकॉज आई वॉज नॉट कैरिंग माई ट्रैकिंग शूज़, आई डिसाइडेड टू वॉक बेयर फीट। आई थॉट कि मैं अभी बिना चप्पल के या बिना शूज़ के ही चलूँगी बिकॉज काफ़ी बारिश हो रही थी और काफ़ी स्लिपरी वहाँ पर था। एंड यहाँ से हमको करीब 45 मिनट्स वॉक करना है। काफ़ी पत्थर चुभ रहे थे बट स्टिल मैं काफ़ी मज़े ले रही थी बिकॉज मुझे ट्रैक करना पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम अ ट्रैक फ्रीक, आई एम एन एडवेंचरस वुमन। देखो पानी में, कीचड़ में चलने में इतना मज़ा आता है, क्या ही बताऊँ। आई एम लाइक, मैं हर चीज़ एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। कैन यू लिसन, आवाज़ आ रही है आपको, कितना मस्त लग रहा है वो कीचड़ में छप 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 छप। आई एम टोटली एंजॉइंग इट। इतना अच्छा सीनरी है तो मैंने सोचा डांस भी कर लूँ थोड़ा। आई कैन नेवर मिस, जहाँ मौका मिले वहाँ मैं डांस करूँ। लाइक यू कैन सी, इतनी वहाँ पे ड्रिजलिंग, इतनी वहाँ पे बारिश हो रही थी, काफ़ी स्लिपरी सा सब कुछ हो गया है। मेरा हस्बैंड तो फिसल गया था यहाँ पे और बहुत तेज, उसको मेरा हाथ में भी कांटा चुभ गया। मेरे हस्बैंड तो एकदम बहुत गंदा फिसले थे यहाँ पे। एंड इट इज़ पूरा ये फॉरेस्ट है, यू जस्ट हैव टू कीप वॉकिंग। एंड कोंगाला वाटरफॉल्स काफ़ी फेमस हो गया है अभी। अगर आपको ऐसा कोई एक लकड़ा रास्ते में मिल जाए तो उठा लेना, हाथ में सपोर्ट के लिए काम में आएगा। नाउ दिस इज द मेन पार्ट। ऐसे आपको 2 या 3 छोटे छोटे से रिवर्स आएंगे, वाटरफॉल से ही पानी आके यहाँ पे बह रहा है एंड आपको ये क्रॉस करना पड़ेगा। ट्रैक शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रैक शूज़ नहीं पहनोगे तो पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है एंड नीचे काफ़ी सारे पत्थर, छोटे छोटे से स्टोन्स होते हैं जो काफ़ी चुभते हैं। मेरे सारे पैर कट चुके थे। अगर बच्चों को लेके आ रहे हो तो यार बड़े लोगों के गाइडेंस में ही उनको रखना बिकॉज पानी का बहाव फ्लो काफ़ी तेज़ होता है एंड यू नेवर नो, कभी तेज़ हो गया तो आपको लाइक ऐसे मार के लेके चला जाएगा, तो इट्स क्वाइट डेंजरस। यहाँ पे हम लोग स्टंट्स परफॉर्म कर रहे हैं।
कृपया आप ना करें, बच्चे लोगों को तो बिल्कुल, किड्स को बिल्कुल ना ही लेकर आए तो बेटर है। हम फाइनली पहुंच गए हैं एंड दिस इज द व्यू। 3, 2, 1, जस्ट लुक एट द व्यू। क्लोज योर आईज एंड लिसन टू द वॉइस, आवाज सुनिए वॉटरफॉल। आई एम स्टंड। अब वाटरफॉल तक गए हैं तो चलिए थोड़े बड़े मजे ले लेते हैं। आई एम अगेन वार्निंग यू, फ्लो काफ़ी तेज़ है, काफ़ी हैवी फ्लो है, सो इट्स क्वाइट डेंजरस, सो प्लीज़। एंड वाटर इतना साफ, इतना क्लीन, क्रिस्टल क्लियर वाटर, एंड मेरे अंदर ये बच्चा जाग गया और मैं पानी में खेलने लगी। जैसे कि मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया, मैं एक वाटर गर्ल हूँ, पूल बेबी, बहुत मज़ा आता है मेरे को, आई एम अ बीच किड, पानी में बहुत मज़ा आता है। और इतना स्वीट वाटर था, आई इवन टेस्टेड इट, इतना स्वीट वाटर, एंड बिकॉज ये एकदम प्योर, ऊपर से एकदम साफ पानी आ रहा है ना, इतना नीट, इतना अमेजिंग। और वो झरने का फ्लो इतना तेज़ है कि हवा ऐसे मेरे पूरे फेस पे मार रहा था, इट वॉज पुशिंग मी। ये मैं नेचुरल फेशियल लेते हुए आपको एक क्लियर व्यू, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस। अभी हम वापस जा रहे हैं, मैं पूरा भीग चुकी हूँ। डू नॉट फॉरगेट टू कैरी एक्स्ट्रा क्लोथ्स, बहुत ज़रूरी है, एक्स्ट्रा क्लोथ्स, मैगी, वाटर बॉटल, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत भूख लगेगी पानी में, जब इतना दौड़ के खेल के आओगे तो बहुत भूख लगेगी। एंड अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो फ्लो काफ़ी बढ़ गया है, जब हम जा रहे थे और अब हम आ रहे हैं फ्लो काफ़ी बढ़ गया है। एंड ये मैं कोशिश करते हुए आगे बढ़ रही हूँ, वाटर पूरा मेरे ऊपर, पैरों के ऊपर तक आ चुका है। आई एम स्ट्रगलिंग, नीचे पत्थर चुभ रहे हैं। डू नॉट फॉरगेट टू कैरी योर ट्रैक शूज, ट्रस्ट मी, पछताओगे वरना। ये नॉर्मल स्पोर्ट शूज वगैरह बिल्कुल नहीं चलेंगे वहां पे, ट्रैक शूज मतलब ट्रैक शूज। ओ माय गॉड, कैन यू सी, पानी एकदम और ऊपर तक आ गया है। दिस वॉज द डेंजरस स्टंट जो मैं कर रही थी, प्लीज डू नॉट, बट कैन यू सी द फ्लो, कितनी तेज पानी जा रहा है, कितनी तेज, ओ माई गॉड। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए, आई वॉन्ट टू सिट समवेयर, आई वॉज टोटली टायर्ड, आई वॉज लाइक फुली टायर्ड, इतना एक्सरसाइज, पता नहीं कितने स्टेप्स मैंने कर लिए चल चल के। ऑल राइट, अभी मैं जाऊँगी और मैं थोड़ा रेस्ट लूँगी, देखते हैं कोई जगह मिलेगी बैठने के लिए। सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया है और मेरे पैर में काफी पत्थर चुभ चुके हैं। आई गॉट दिस अमेजिंग प्लेस टू रेस्ट, मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था ऐसे, यू नो, नेचुरल का झूला जो ब्रांचेस से जो डालियां निकलती है उससे बनता है, सो आई थॉट मैं थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर लूँ। वाओ, मैंने काफी अच्छा नैप लिया था वहाँ पे, मजा ही आ गया था। वाओ, एंड नाउ वी आर गोइंग बैक। लाइक यू कैन सी, मैंने पूरा ट्रैक बिना चप्पल के किया है, बेयर फीट। हिम्मत जिसमें है वही कर सकता है। बचपन में तो काफ़ी नंगे पैर हम लोग घूमे थे, बट यू नो आजकल कौन ही घूमता है। एंड नाउ वी आर सुपर हंग्री, देयरफॉर हमने हमारा छोटा सा गैस स्टोव, थोड़ा सा बर्तन, मैगी वगैरह हमारे साथ हमने कैरी किए था, प्लेट, फोक्स वगैरह। और मैं ठहरी शेफ, तो यहाँ पे भी काम हमको ही करना पड़ेगा। जैसे मालदीव्स में मैं चाय बना रही थी तो मैं बनाने लगी मैगी, हमने काफ़ी अच्छा एक जगह ढूंढ लिया और मैं बैठ गई और मैं मस्त वहाँ पे मैगी बनाने लगी, और मैगी को ऐसे ऐसे करके, मैगी का भी अपना ही मज़ा है खाने का। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस, आई होप यू ऑल लव द वीडियोस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।